नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हरचा शर्मा। नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को कई तोहफे दिए। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और ये कहता नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं किया। एक महीने हो गए लेकिन यहाँ पर सिर्फ लूट, फरेब, भ्रष्टाचार बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी एमएलसी संजय मयूख का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो ठाना वो कर दिखाया। एनडीए एक सबल सरकार है और पूरी मजबूती के साथ बिहार वासियों के हित के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से 15 एजेंडों पर मुहर लगी और बिहार वासियों को कई सौगात दी, सराहनीय है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय मयूख, पहले सुनिए। जो भी वादा करती है वो निभाती है। मतलब हम यदि वादे करते हैं तो हम निभाते हैं, हम निभाना जानते हैं। हम कोई छल की राजनीति नहीं करते, हम जनता के संबल की राजनीति करते हैं। और जनता के संबल की राजनीति पर आज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए अलायंस के सभी पार्टियों के नेतृत्व को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद है कि आपने इतनी जल्दी यह साबित किया है। आपने आज लिए गए निर्णयों में जो लोकहितकारी निर्णय लिया है, यह निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है। और बिहार ही नहीं अपितु देश की जनता ने देख लिया है कि बिहार की सरकार ने जो काम किया है, जो अविलंब अपने निर्णयों को अमल किया है, अपने वादों को अमल किया है, उसके लिए बहुत ही साधुवाद की पात्र है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की थी और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए थे। इसके तहत 15 एजेंडों पर मुहर लगी। आत्मनिर्भर बिहार और सात निश्चय पार्ट 2 सहित सुशासन के कार्यक्रम को लेकर बिहार कैबिनेट में सभी कार्यक्रम पर सहमति दी गई। सुशासन के कार्यक्रम अगले 5 सालों में रोजगार वितरण करने के कई संसाधनों पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही बिहार में कोरोना के फ्री में टीका दिए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। वहीं 20 लाख रोजगार का सृजन की बात भी कही गई। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिए जाने का प्रस्ताव भी सहमति से पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में जोड़े जाने और युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। अनुदान पर 50% का सब्सिडी मिलेगा। वहीं अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी शहरों में बुजुर्ग लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत बनेंगे और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की गई। आपको बता दें कि 16 नवंबर को नई सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट की यह दूसरी बैठक थी। तो कैबिनेट की दूसरी बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लग गई और अब सरकार की तरफ से बिहार वासियों को कई सौगात दी गई है, जिसके बाद से बीजेपी एमएलसी संजय मयूख का बयान सामने आया और उन्होंने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।